तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मायो सैंडविच, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों का जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे तब आप इस सैंडविच को फटाफट से बना के दे सकते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। वेज मायो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक खीरा लिया है बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, गाजर ग्रेटेड, चीज़ यहाँ पे हमने मोजरेला चीज़ का यूज़ किया है, बारीक धनिया कटा हुआ, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, मायो सॉस। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें और भी कुछ सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेड और येलो बेल पेपर, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, आप जो भी सब्जियाँ यहाँ पे पसंद करते हैं आप वो सब ऐड कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर को तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ खीरा लिया है, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, गाजर, फ्रेश धनिया के पत्ते। अब इसमें हम कुछ सीजनिंग और ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 2 से 3 पिंच है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स हर्ब, ओरिगैनो, थोड़ा सा इसमें हम पिज्ज़ा मिक्स भी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे सैंडविच का, चिली फ्लेक्स, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इस सैंडविच में अपनी मनपसंद सब्जी आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे मेन इन्ग्रीडियंट मायो सॉस, यहाँ पे हमने 3 चम्मच भर के डाला है, चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम सॉल्ट का ऐड करेंगे। सॉस में पहले से ही सॉल्ट होता है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से ही ऐड करें। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे चलिए सैंडविच बनाना हम शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे हमने व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहे जो पसंद करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इस पर हम थोड़ा सा टमाटो केचप लगाएंगे। सभी ब्रेड स्लाइस पर हमने टमाटो केचप लगा दिया है, हमने जो मिक्सर बना के रेडी किया है उसे रखेंगे हम इसके ऊपर। इस तरह से हम बंद कर देंगे। चलिए इसे हम तवे पे अब रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने तवे को गरम कर लिया है, इस पर हम डालेंगे बटर और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। सैंडविच को इस तरह से रख देंगे हम, दोनों सैंडविच को एक साथ हम टोस्ट करेंगे। थोड़ा सा बटर हम ऊपर से भी लगाएंगे ताकि दोनों तरफ हमारे सैंडविच अच्छी तरह से टोस्ट हो। सैंडविच को हमें क्रंची होने तक टोस्ट करना है फ्रेंड्स, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक टोस्ट करना है। चलिए इसे हम पलट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से टोस्ट हो रहा है हमारा सैंडविच। इसे इस तरह से दबाते हुए हमें सेक लेना है इसे अच्छी तरह से, ताकि अंदर हमने जो चीज़ डाला है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना के खिलाएं, घर में सब बहुत तारीफ करेंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। इसे भी हम पलट लेते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी तरह से टोस्ट हुआ है हमारा सैंडविच। जब भी बच्चों को कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, फटाफट से बच्चों को बना के दे सकते हैं। देखिए, हमारे सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सैंडविच बनकर तैयार है। ये बहुत ही क्रंची बना है, मैं आपको आवाज़ सुना सकती हूँ। देखिए, बहुत ही क्रंची बने हैं हमारे सैंडविच। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं।
देखिए अंदर से कितने चीज़ी और क्रीमी लग रहा है हमारे सैंडविच। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार एंड टेस्टी वेज मायो सैंडविच बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी है। आप इस सैंडविच को बच्चों को टिफ़िन में बना के दे सकते हैं या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स में बना के इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस सैंडविच रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।